इलेक्शन इलेक्शन की चर्चाएं एक बार फिर से होने लगी है। इससे पहले भी चुनाव आयोग ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर मंथन करने का सुझाव दिया था। वो इसलिए क्योंकि आयोग का मत था कि एक तो इसमें चुनावों में पैसा कम खर्च होगा और दूसरा ये कि नेता जो पूरे कार्यकाल के दौरान चुनावों में ही व्यस्त रहते हैं वो थोड़ा अन्य मुद्दों पर ध्यान दे सकेंगे। इसके लिए सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। अब इसमें अपडेट ये है कि कमेटी ने इसका ड्राफ्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। पैनल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। इसमें कहा गया कि रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को पैनल के गठन के बाद से हितधारकों और एक्सपर्ट्स के परामर्श और 191 दिनों के अथक परिश्रम और बेहद गंभीर रिसर्च का नतीजा है। साथ ही कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि 2029 में चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव के अनुसार ही करवाए जाए। पैनल ने क्या सुझाव दिए इसमें वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि इस 8 सदस्यीय कमेटी में कौन कौन शामिल है। सबसे पहले तो इसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद, इसके अलावा इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कमेटी का हिस्सा हैं, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और डीपीए प्रमुख गुलाम नबी आजाद इसमें शामिल हैं। इसके अलावा इस कमेटी में 3 प्रमुख अफसर हैं, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी इस कमेटी का हिस्सा है। ये कमेटी न सिर्फ लोकसभा और विधानसभा बल्कि निकाय और पंचायत चुनाव को भी एक साथ करवाने की संभावना तलाश कर रही है। कमेटी ने रिपोर्ट में सुझाव दिए हैं कि पहले एक साथ चुनावों के लिए सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव तक खत्म होने वाली अवधि के लिए हो सकता है। पैनल ने इसमें कहा कि हंग हाउस नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके बाद 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति के इस पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। अब सवाल ये है कि 2029 से पहले कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल पूरा हो जाएगा लेकिन कुछ का नहीं हो पाएगा, ऐसे में क्या होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमेटी ने इसमें सुझाव दिया है कि जिन राज्यों का कार्यकाल पहले ही पूरा हो जाएगा उनमें कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो ये 2029 से ही लागू कर दिया जाएगा। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। रिपोर्ट में सुझाव है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम की विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक किया जाए। उसके बाद सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा लोकसभा चुनाव हो सकेंगे। वहीं कुछ राज्यों के कार्यकाल में कटौती करनी होगी। इस दौरान सबसे छोटा कार्यकाल बिहार राज्य का संभवतः रह जाएगा जो लगभग 3.5 साल का होगा। रिपोर्ट के अनुसार अगर 2029 में चुनाव करवाने हैं तो उससे पहले देश में 3 चरणों में चुनाव कराने होंगे जिनमें जून 2024, नवंबर 2025 और फिर दिसंबर 2026 में चुनाव करवाने होंगे। पहले चरण में उन राज्यों को शामिल किया जाएगा जिनका कार्यकाल 2024 में ही पूरा हो रहा है। इसके बाद दूसरे चरण में उन राज्यों का चुनाव जिनका कार्यकाल 2025 तक पूरा होगा और फिर अंतिम चरण में उन राज्यों का कार्यकाल जिनका कार्यकाल 2026 में पूरा हो रहा है उन राज्यों का चुनाव कराना होगा, जैसे उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड समेत अन्य राज्य। अब राष्ट्रपति को सौंपने के बाद रिपोर्ट का क्या होगा? लोकसभा चुनाव के बाद यह रिपोर्ट कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। कैबिनेट के फैसले के अनुरूप कानून मंत्रालय संविधान में वो नए खंड जोड़ेगा जिसकी सिफारिश विधि आयोग ने की है ताकि चुनाव एक साथ हो सके। इसे संसद के दोनों सदनों में पारित कराया जाएगा और राज्य विधानसभाओं से भी प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश की जाएगी। इसके बाद 3 चरणों में 2029 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ सुनिश्चित किए जा सकेंगे। कुल मिलाकर इसमें बस थोड़ी सी दिक्कत शुरुआत में आएगी जिसमें कि किसी राज्य का कार्यकाल कम तो किसी राज्य का कार्यकाल ज्यादा होगा। उसके बाद जब भी चुनाव एक साथ होंगे तो सब बेहतर स्थिति में आ जाएगा, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव का जो कॉन्सेप्ट है जो सरकार लेकर के आ रही है वो 2029 में संभवतः पूरा हो जाएगा। लोकसभा चुनाव पूरा होने के बाद राज्यसभा और लोकसभा का जो भी कार्यकाल लगेगा, पहला सत्र जो लगेगा उस सत्र में इस कानून पर चर्चा होने की पूर्ण संभावनाएं हैं और इस कानून को लागू कराने की भी बातचीत हो सकती है और इस पर जोर दिया जा सकता है। 2029 में एक राष्ट्र एक चुनाव का जो मत है उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि इससे देश में क्या कुछ बदल सकता है, क्या बेहतर होगा, क्या खराब होगा, जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम।